अस्सलामु अलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे भेजा मसाला फ्राई की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सा ये भेजा फ्राई बनकर तैयार होता है, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन में पानी ले लिया है, इसको मैंने गैस पर रख दिया है। इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर, और भेजे को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था, और भेजे को हम इसमें डाल देंगे। और अब हम 5 से 6 मिनट तक भेजे को पका लेंगे। इससे भेजे में जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो हम इसे 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे अच्छे से। और 6 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, देखिए भेजे को, तो भेजा हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। इधर पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया, इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा, 2 सफ़ेद इलायची, 3 लौंग। इसको हल्का सा तड़का लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ की अनियन बारीक चॉप की हुई। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट तक। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी 1 से 1 मिनट के लिए पका लेंगे। और अब हम डाल देंगे इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इसको मैंने चॉप कर लिया था। और इसी के साथ डाल देंगे हम स्वाद अनुसार नमक। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और अब हम डाल देंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून डाला मैंने इसमें जीरा पाउडर, और 1 टेबल स्पून डाला है हमने धनिया पाउडर, आधा टीस्पून डाली है हल्दी पाउडर। इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे मसालों को। और मसाले अच्छे से भुन गए हैं, तो अब हम डाल देंगे इसमें 4 बड़े चम्मच दही। और दही जो है वो गैस की फ्लेम को हम बंद करके डालेंगे ताकि फटे ना। और दही को भी मैं अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे भेजा। भेजे को मैंने इस तरह बड़े बड़े पीस में कट कर लिया है, और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे भेजे के साथ। और मिक्स करने के बाद इसको हम लिड लगा के पका लेंगे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। और देखिए 2 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पे पकते हुए, और भेजा जो है हमारा तैयार हो गया है। इसको हल्के हाथ से इस तरह से चला लेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, और भेजे को हम सर्व कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत टेस्टी हमारा ये भेजा फ्राई बनकर तैयार हो गया है। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों फैमिली में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।